भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो कौन था? जमाली थे, यशुद थे, विपिन थे, प्रभास थे, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, या फिर एक से अधिक? उदय सही जवाब क्या होगा? भगवान महावीर कौन है? आंसर है बताइएगा, जरा कमेंट में लिख दीजिएगा। आपको पता होगा कि जैन धर्म के जो है ना, जैन धर्म में तीर्थंकर हुआ करते थे। क्या होते थे? तीर्थंकर। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है महावीर स्वामी, है ना। भगवान महावीर जो है ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, जबकि जैन धर्म के जो संस्थापक है, जो पहले तीर्थंकर है, उनका नाम है ऋषभ देव। और महावीर स्वामी जो है, भगवान महावीर जो है जैन धर्म के वास्तविक और 24वें संस्थापक है, 24th, है ना। और आपको बता दें कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर आए थे। ये जैन धर्म के वास्तविक, लिख लीजिएगा, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इनको, है ना, महावीर स्वामी को जैन धर्म में। नोट कर लिए, लिख देते हैं आपको यहाँ पर जैन धर्म, है ना। और पहले जो थे, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, संस्थापक का जो नाम है, जो फर्स्ट संस्थापक हैं, उनका नाम है ऋषभ देव। क्या नाम है? ऋषभ देव। ऋषभ मतलब बैल होता है, उनकी हर एक के तीर्थंकर का एक पहचान होता है, तो तीर्थंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थंकर, ठीक है। इनका एक पहचान होता है, एक चिन्ह होता है। तो याद रखिएगा कि जो संस्थापक थे, जो फर्स्ट थे, उनका नाम था ऋषभ देव। एंड जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, 24वें संस्थापक थे, 24वें तीर्थंकर थे, उनका नाम था भगवान महावीर, महावीर स्वामी नाम था उनका। और इनके जो प्रथम शिष्य थे वो ही उनके दामाद भी थे, ठीक है। उनका नाम था जमाली। नोट कर लीजिएगा, ये इनके शिष्य भी थे और इनके दामाद भी थे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, क्लियर है, समझ में आएगा सबको? ये नोट कर लीजिएगा, ये वो काम आएगा, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका सही जवाब हो जाएगा।